फ्लोटिंग की कैलकुलेशन में आपको होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ आपका सपोज डेट आपका लेंथ 5 मीटर है और विड्थ है आपका 3 मीटर और डेप्थ है आपको 2 मीटर। जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 2 मीटर डेप्थ अगर खुदाई कर रहे हैं तो आपको 30 m³ आनी चाहिए। इसको अगर आप इसके एस्टिमेशन में आपको अगर इसको एक्सेल में पुट करना पड़ता है तो सबसे पहले आपको एस्टिमेशन लिखना होगा। वहाँ पे एस्टिमेशन पे अब यहाँ पे फुटिंग मेरे ड्राइंग में दे रखा है F1 2, दो फुटिंग दे रखे तो दो होगा। 3.5 दे रखा है तो 3.5 मैंने ले रखा है। फिर 2.5 दिया तो 2.5। इसकी डेप्थ दे रखा है 2 मीटर तो 2 मीटर लिखा है। इसके टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है 35 क्यूबिक मीटर। फिर दूसरी फुटिंग एक और दे रखा है तो उसके है 4, 4 है, 4 फुटिंग खुदाई करनी है। 4.6 उसकी लेंथ है, 3.5 विड्थ है और 2 मीटर आपका हाइट है। तो इसकी आ रही है 128.80 क्यूबिक मीटर। उसी तरह फुटिंग 3 है, उसमें 5 खुदाई करनी है। उसकी आपकी लेंथ आपको 4.9 है, उसकी विड्थ 3 है और उसकी डेप्थ है 2 मीटर। तो इसकी आ रहा है 147 क्यूबिक मीटर। इसी तरह इसको मैं एक्सेल में अब आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में कैसे इसको पुटअप करते हैं, कैसे एक्सेल में सेट करते हैं, एक्सेल में कैसे लिखते हैं आपको। अब चलिए आपको एक्सेल में आपको दिखा रहा हूँ। इस ड्राइंग में आपको मेरी ये दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दे रखा है 3.45 और यहाँ पर दे रखा है 3.45, मतलब 3.45 लेंथ और 3.45 विड्थ। दूसरे F2 में फुटिंग 3.7, यहाँ पर 3.7 और यहाँ पर 3.25, F3 में 3.25। इसी तरह यहाँ पर देखिए F1 यहाँ पर एक है, यहाँ पे एक है तो मैंने दो दे रखा है तो दो दो लिया है। F2 यहाँ पे है, F2 यहाँ पे है दो, एक यहाँ पे 3 दे रखा है और एक इधर 4 दे रखा है नीचे में, तो मैंने 4 दे रखा है। आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्सटेवेशन डेप्थ 2 मीटर फ्रॉम एनजीएल डायमेंशन एज पर लेआउट, मतलब लेआउट के हिसाब से आपको 2 मीटर डेप्थ खुदाई करनी है। और ये आपको दे रखा है, ये डिटेल सारे रेनफोर्समेंट का है, ये स्टील का है। ये स्टील वाला मैं बाद में आपको क्लास में सिखाऊंगा, बार बेंडिंग शेड्यूल में, अभी एस्टिमेशन सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पर्पस एडमिन ब्लॉक एट पुलिस लाइन देहरादून। दूसरा में देख रखा है क्लाइंट एजेंसी, मैं रूरल वर्क डिपार्टमेंट देहरादून, मतलब देहरादून के रूरल RWD के तहत ये ड्राइंग पास किया गया है, वहाँ से बने हुए हैं। और फुटिंग डिटेल है, इसने किसने बनाया है, राहुल शर्मा ने, राहुल शर्मा एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियर है। सबसे पहले आपको एक्सेल खोल लेना है। एक्सेल खोलने के बाद यहाँ पे आना है, एक ट्रेंगल के निशान बना होगा, उस ट्रेंगल पे क्लिक करना है और आपका सब सिलेक्ट हो जाएगा। सब सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे कैलिवर लिखा हुआ है, कैलिवर की जगह पे आपको टाइम्स ऑफ रोमन लेना है। नीचे जाने के बाद धीरे धीरे ड्रैग रखने के बाद यहाँ पे आपको टाइम्स ऑफ रोमन लिखा है, टाइम्स ऑफ रोमन पे क्लिक करना है। टाइम्स ऑफ रोमन पे क्लिक करने के बाद आपको अब साइज आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सुविधा अनुसार। मैं 40 सेव कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ना है सीरियल नंबर, SR नंबर। दूसरी जगह पर लिखना है डिस्क्रिप्शन, तीसरे पर आइटम लिखना है, चौथे पर आपको लेंथ, फिर वाइड विड्थ, फिर हाइट, उसके बाद टोटल, उसके बाद यूनिट। लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, पूरा को सिलेक्ट करने के बाद येलो के निशान पर चले जाइए, पीला हो जाएगा। अब इसको डिलीट कर देना है यहाँ पे, इसको भी। अब ये सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाइए। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे फ्रीज लिखा हुआ है, फ्रीज टॉप रो पे करने के बाद आपको एक नंबर यहाँ पे देना है, एक नंबर के बाद यहाँ पे। अब यहाँ पे तीर के निशान पे आपको एरो के निशान पे एक बार क्लिक कीजिए और ये आपका एडजस्ट हो जाएगा अपने
साइज के अनुसार। फिर यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए, एडजस्ट हो गया। फिर यहाँ पे भी कर दीजिए, एडजस्ट हो गया। फिर यहाँ पे भी कर दीजिए, एडजस्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे कर दिया। ये अपने सुविधा अनुसार एडजस्ट हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में फुटिंग नंबर वन, एक फुटिंग है, फुटिंग वन है, और आइटम कितनी है, दो दो लिख देना है। यहाँ पर लेंथ कितनी है, 3.25, फिर 3.25, फिर इसकी डेप्थ कितनी है, ड्राइंग में दे रखा है 1.5। अब यहाँ पे स्क्रॉल टू के निशान के साथ शिफ्ट पकड़िए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, उसके बाद 1.5 पे क्लिक कीजिए, फिर स्टार, फिर शिफ्ट के साथ स्टार, फिर शिफ्ट के साथ स्टार, फिर इस पे स्टार, उसके बाद एंटर दाब दीजिए। आपका ये आ गया टोटल कैलकुलेशन क्यूबिक मीटर हो गया। और अब यहाँ पे आपको सपोर्टेड दूसरी फुटिंग है F2, ये समझिए कि चार है, इसकी लेंथ है 4.5, 4.5, इसकी डेप्थ है 1.5, और इसकी कुछ नहीं करना है। अब ये एक बार कैलकुलेशन हो गया ना, तो यहाँ पे तीर के निशान पे प्रेस राइट लेफ्ट करके क्लिक करके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको भी नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये भी हो जाएगा, फिर एक और कर दीजिए, नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए टोटल एक्सकावेशन, अब यहाँ पे इसकल टू साथ SUM, इसको आप जोड़ देना है, बस आपका एक्सकावेशन पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन। अब इसको सबको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देना है। अब ये आपको सिलेक्ट कीजिए ऑल, और उसके बाद इसको बॉक्स में कर दीजिए, ऑल बॉक्सेस। बस यही है आपका एक्सटेवेशन। एक्सटेवेशन में ज्यादा नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और इसकी डेप्थ कितनी खुदाई करनी है। अगर ये आपको पता होगा तो ऑटोमेटिक आपको बहुत इजीली से आपको एक्सटेवेशन का कैलकुलेशन क्लियर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा पीसीसी, पीसीसी का आपको पीसीसी बताऊंगा, पीसीसी का आपको एक्सेल में कैसे पुट करना है, और पीसीसी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।